हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पे आप देख सकते हैं आज हम बनाने जा रहे हैं करेले की सब्ज़ी। और यहाँ पे मैंने करेले वॉश करके अच्छे से सुखा के इन्हें रख दिया है। मैंने एक बर्तन में पानी ले लिया है। अभी इसमें मैं आधा चम्मच नमक डाल रही हूँ। और अभी यहाँ पे मैंने करेले जो लेके धो के रखे हैं उसे अब मैं कट करने जा रही हूँ। जैसे यहाँ पे मैं कट कर रही हूँ करेले, जैसे गोल गोल आकार में, वैसे भी आप कर सकते हैं पतले पतले स्लाइसेस में, या फिर आप जैसे आपको चाहे आप सीधे भी कट कर सकते हैं जुलियंस में। यहाँ पे मैं सर्कुलर मतलब गोल गोल जो आते हैं वैसे कट कर रही हूँ। और कोई लोग इसमें से बीज निकाल देते हैं, कोई लोग नहीं निकालते हैं, तो आपकी इच्छा है आप बीज निकालिए या फिर बीज आप रख के भी सब्ज़ी बना सकते हैं, दोनों भी तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पे मैं बीज निकाल रही हूँ, थोड़े बहुत ही निकाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं निकाल रही हूँ। तो मुझे बीज के मतलब वो जो स्वाद आता है सब्ज़ी का वो भी अच्छा आता है अगर आप बीज के साथ इसे बनाते हैं तो। लेकिन अगर ज़्यादा कड़वा करेला है तो बीज आप रखेंगे तो ज़्यादा कड़वी भी हो सकती है सब्ज़ी। तो आपकी इच्छा है, अगर आप बीज रखना चाहे तो रख सकते हैं या निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़े बहुत बीज जो मुझे दिखे हैं जो ज़्यादा हार्ड है वो ही मैंने निकाले हैं। अभी मैंने जो पतीले में हमने नमक का पानी लिया है उसमें मैंने वो करेले कट करके डाल दिए हैं। अभी यहाँ पर मैंने एक लहसुन, एक पूरा लहसुन ले लिया है और छील के उसे मैंने कट कर दिया है। इस सब्ज़ी में लहसुन बहुत ज़्यादा डलता है, इसीलिए थोड़ी ज़्यादा मात्रा में लहसुन लेना चाहिए तो ज़्यादा स्वाद आता है सब्ज़ी में। यहाँ पे मैंने इमली का पानी बना के रखा था, मतलब इमली को आपको एक कटोरी पानी में भिगो के रखना है, वो मैंने इमली निकाल के रखी है उसके लिए। अभी यहाँ पर मैं तड़का दे रही हूँ, तेल अभी गर्म होने लगा है और कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है। जैसे ही राई फूट के आने लगेगी तभी आपको तड़का दे देना है। अभी यहाँ पे जैसे मैंने राई का तड़का दे दिया है, उसके बाद मैंने डाला है, जैसे मैंने कट करके लहसुन रखा था वो मैंने डाल रही हूँ। अभी लहसुन गोल्डन ब्राउन हो जाए तब आपको इमली में थोड़ा सा पानी मिक्स करके वो तड़के में ऐड कर देना है। और इसके बाद हमें ऐड करने हैं सारे मसाले। अगर आप तड़के में ही डायरेक्ट मसाले ऐड कर देंगे तो वो जल भी सकते हैं, तो इसलिए मैंने पहले इमली ऐड कर दी है और थोड़ा सा पानी इमली का ऐड कर दिया है। इसके बाद मैं डाल रही हूँ नमक, मिर्ची, हल्दी, गरम मसाला और लाल मिर्ची पाउडर भी हमें ऐड कर देनी है। और उसके बाद हमें जो स्लाइसेस हमने कट किए थे करेले के वो ऐड कर देने हैं। आप नमक पहले भी ऐड कर सकते हैं और बाद में भी ऐड कर सकते हैं, जैसे आप खाना चाहें। इसे अच्छे से मिक्स कर देना है हमें। अब यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मिर्ची पाउडर ऐड कर दी है क्योंकि मैं तीखा खाना पसंद करती हूँ, और इसके लास्ट में मैंने नमक ऐड कर दिया है। अभी इसे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। इसके बाद हमें इसमें अभी ये 5 मिनट के लिए ढक के रख देना है। और इसके बाद हमें इसमें कद्दूकस किया हुआ गुड़ जो आता है वो हमें ऐड कर देना है। यहाँ पे मैंने 3 से 4 बड़े चम्मच गुड़ को कद्दूकस कर लिया है, या फिर आप गुड़ का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। अब इसे मैं मिक्स कर रही हूँ गुड़ डालने के बाद, और उसके बाद ढक के 5 मिनट होने के बाद आप ये सब्ज़ी सर्व कर सकते हैं। हमारी आज की रेसिपी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।